नमस्कार, भी हमारे भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक पुरी, आपके साथ खबरों की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। कोरोना जैसी महामारी के लिए अब धीरे धीरे लोगों के हाथ समाज सेवा की ओर उठने लगे हैं। ऐसे ही बुधवार को कानोता कस्बे में आर्थिक रूप से कमजोर व रोजमर्रा कामगारों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन लाल बैरवा तथा एडवोकेट जीतेशु चुग ने मिलकर लोगों को राशन व राहत सामग्री उपलब्ध कराई। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया है। इस लॉकडाउन से रोजमर्रा के कामगारों तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या को देखते हुए कानोता निवासी समाज सेवी अर्जुन लाल बैरवा व जामडौली निवासी एडवोकेट जीतेशु चुग ने 75 परिवारों के राशन की सामग्री का इंतजाम कर उन्हें वितरित किया। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को निशुल्क मास्क का भी वितरण किया गया। साथ ही उचित दूरी बनाकर सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल ध्यान रखा एवं समझाया। राहत सामग्री का वितरण राशन खातियों की ढाणी, शहीद बाबा के पास बनी कच्ची बस्ती झंडे के नीचे तथा कोलियों के मोहल्ले में किया गया। इस मौके पर एडवोकेट जीतेश चुग ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में भी किसी को भी राहत सामग्री की जरूरत पड़े तो वह इसके लिए तत्पर रहेंगे। कोरोना जैसी महामारी के लिए हम सबको कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना है, जिससे हम सब इस महामारी पर विजय पा सकते हैं। वहीं समाज से भी अर्जुन लाल बैरवा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी की यह समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इसे हम सबको मिलकर लड़ना है। एक दूसरे की मदद करते हुए और सब लोगों का ख्याल रखते हुए हमें इस महामारी पर विजय प्राप्त करना है। इस मौके पर रमेश रानीवाल, अविनाश शर्मा, विजय सैनी, अजय बंदावाला, घनश्याम महावर आदि लोग मौजूद रहे।